व्लॉग सुबह सुबह 6 बजे व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, वो भी गाड़ी के अंदर। रीज़न ये है कि हम लोग मम्मी के घर से 5:30 बजे ही निकल गए थे, और क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो शॉपिंग का काम था वो मेरा ऑलमोस्ट मतलब सारा डन था, तो हमने सोचा लेट निकलने के बजाय हम अभी अभी निकल जाते हैं। इससे क्या कि अब नाश का काम भी ईजिली हो जाएगा और मैक्स भी थोड़ा अपने घर में जाके कम्फर्टेबल हो जाएगा। फ़ोन बहुत ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि अभी हम इधर फ्लाईओवर पे हैं तो बहुत ज़्यादा जर्क आ रहा है। और बस अभी हम घर पहुंचने वाले हैं। घर यहाँ से हार्डली 19 मिनट का डिस्टेंस पे दिखा रहा है। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपको हम अपनी स्टोरी बताने वाले हैं कि हम लोगों ने दिल्ली से न्यू जगह पे मतलब शिफ्ट होने का डिसीजन क्यों लिया है। और ये इस इंसान को देखो, इसे देखो, हमारे साथ ये ना नहीं बोलो उसको कुछ, ये है मतलब बिल्कुल परेशान है। जब से हम घर से निकले हैं ना तब से ये बंदा बैठा नहीं है, खड़ा है, पता नहीं इसको क्या है। अविनाश इसको फ्रेश करा के वहाँ से बैठा के लाए थे इसको गाड़ी में, बट फिर भी इसको कोई दिक्कत आ रही है। अब क्या दिक्कत आ रही है वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्या है, व्रत है या क्या है इसका, जो भी है, बट इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। अपने घर जाएगा, कम्फर्टेबल फील करेगा, इसी के चलते हम फटाफट जल्दी से निकल भी आए। बज रहे सुबह के ऑलमोस्ट 7, सूरज तो ऑलमोस्ट निकल गए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं अपनी सोसाइटी के पास। यहाँ पे अपनी सोसाइटी है और ये एक खुला सा फील्ड है जहाँ पे मैक्स को हम घुमाते हैं, और ये देखो खुला घूमता है एंड ही रियली एंजॉयज दैट। इसको पॉटी आई थी इसलिए पूरे रास्ते बैठ नहीं रहा था ये, और पॉटी हमने इसको करा दी है, और उसके बाद ही इज़ वेरी हैप्पी एन्जॉइंग। ये थोड़ा सा और एन्जॉय कर ले उसके बाद फिर इसको लेके चलेंगे। गाड़ी हमने उधर पार्क की है, उधर दिख नहीं रहा है, और ये फील्ड में आना नहीं चाहती, इसको लगता है यहाँ पे सांप वाप मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कीड़े से डरती है। और उसको देख लो देख लो देख लो बदमाशी देख लो भैया, क्या है भाई क्यों करना बदमाशी? पागल लड़का, देख लो ऐसे ही एंजॉय करता है ये यहाँ पे, देख लो देख लो देख लो देख लो। He's having fun. शाम के बज रहे ऑलमोस्ट 6:30 और नैमी दिया जला रही है तुलसी माता के सामने, क्योंकि क्यों जला रही है? कार्तिक मास चल रहा है। अच्छा कार्तिक मास चल रहा है, इस वजह से दिया जलाया जा रहा है। और ये तुलसी माता का पौधा है और मैक्स इसके पीछे पड़ा रहता है, इनके बार बार आता है सूंघ के जाता है, ही जस्ट वांट्स कि वो इसको तोड़ दे, हम लोग बचा के रखते जा रहे। ये पौधे मैंने ऊपर लगा रखा था, बट उस दिन करवा चौथ वाले दिन बहुत तेज आंधी आई तो मैंने यहाँ लगा दिया। नीचे बच्चों में गेम चल रहा है स्टैचू वाला, जो हम पहले खेलते थे लंदन स्टैचू, याद आ गया, देखिए बचपन की यादें ताज़ा हो गई भाई साहब, सीरियसली आजकल ये सब गेम बच्चे कहाँ खेलते हैं। सो अभी हो रहे हैं 6:30 और पूजा हो चुकी है, खाना पीना थोड़ा बहुत हमारा इवनिंग स्नैक्स हो चुके हैं। अभी मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ नीचे मार्केट में, हमारे यहाँ छोटी मोटी सी मार्केट है, तो कुछ कुछ शॉपिंग मेरी कल रह गई थी जो पूरी नहीं हो पाई है, तो अभी मैं उसके साथ जा रही हूँ। यहाँ शिफ्ट होने का मुझे सबसे बढ़िया फायदा है कि यहाँ पे मेरी फ्रेंड रहती है, तो हम लोग कभी भी खुद भी अकेले मतलब दोनों चल जाते हैं, अपने अपने पति को लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम दोनों खुद से चले जाते हैं। तो अभी बस वो मेरे वेट कर रही है, मैं नीचे जा रही हूँ और फिर हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करके आएंगे, देखते हैं कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे, नहीं आएगा क्योंकि ऑलमोस्ट तो मैं कल सारी शॉपिंग कर ही चुकी हूँ, थोड़ा बहुत सामान है। सो अभी क्या है कि शाम के 7:30 बज रहे हैं और अभी मैं नीचे गया था मैक्स को लेकर थोड़ा सा टहलाने के लिए, तो इसके लिए मैंने ट्रैक सूट वगैरह पहन रखा है। सो डेली व्लॉगिंग हमने दोबारा से शुरू कर दिया है और थोड़ा सा टाइम लगेगा,
थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें एक रूटीन में आने में, सो दैट डेली एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है अपना ब्लॉग आ जाए, तो हम उसी कोशिश में हैं। अभी मेरा लद्दाख का सीरीज और ये सब भी बाकी है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो वो सब तो आता रहेगा। और जैसे मैं पहला वीडियो डाला काफ़ी दिन बाद, तो लोगों ने न्यू लोकेशन देखे, काफ़ी लोगों ने DM किया मेरे को इंस्टा पे कि आप यहाँ पे शिफ्ट हो गए, कहाँ शिफ्ट हो गए बताओ डिटेल्स एंड ऑल दैट। तो सोसाइटी अच्छी लगी बहुत लोगों को, थोड़ी बहुत जितनी भी दिखी। तो थोड़े से क्वेश्चंस थे लोगों के, तो मैंने सोचा कि मैं बता देता हूँ मैं शिफ्ट मैंने क्यों किया, क्योंकि दिल्ली मैं जब से दिल्ली आया हूँ तब से मैं दिल्ली में ही रहा हूँ। फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 3 months मैं गुड़गांव में रहा था, उसके बाद मैं दिल्ली में ही रहा हूँ। और दिल्ली से शिफ्ट होकर नोएडा आना इज़ अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर अस, और ये तो शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली ओनली, तो बचपन से दिल्ली में रही है। सो इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मेक दैट डिसीजन टू शिफ्ट फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा, क्योंकि मैं शुरू से लोगों को ही बोलता था कि इतनी दूर रहने का कोई फायदा नहीं है, दिल्ली के अंदर ही रहो एंड ऑल दैट। नोएडा का मतलब नाम सुन के अरे कौन जाएगा नोएडा, मतलब हम लोगों का ये रिएक्शन होता था। तो सीन ऐसा है कि दिल्ली में हम रहते थे वेस्ट दिल्ली में द्वारका मोड़ के आसपास, और वहाँ पे क्या है कि कितना क्राउडेड है, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको मालूम है उत्तम नगर एरिया कितना ज़्यादा क्राउडेड है। तो इतना मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम्स है घरों की कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं 6 साल से हूँ और 6 साल में मैंने 6 घर चेंज किए हैं, ईच ईयर आई हैव चेंज्ड अ होम, जस्ट बिकॉज कि हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही रहता है, इसकी वजह से घर चेंज करना पड़ता है। तो सीन ऐसा है कि शादी के 1 महीने पहले मैंने एक नया घर लिया था रेंट पे, वहाँ पे दीमक निकल गए थे, तो वहाँ से चेंज करके हम दूसरे जगह पे आए और वहाँ पे भी दिक्कतें आने लगी। हमने गाड़ी खरीदी तो थोड़ी सी बड़ी है गाड़ी, तो इसकी वजह से पार्किंग को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और उसके अलावा उत्तम नगर इतना क्राउडेड है कि गाड़ी लेने के बाद भी आप निकालने के बारे में 10 बार सोचोगे कि गाड़ी निकालनी है। मतलब गाड़ी लेने के बावजूद भी लाइक प्रेफर टू बुक अ कैब इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन आवर ओन कार। एग्जैक्टली, और अगर उत्तम नगर किसी काम से भी जाना हो या तिलक नगर जाना हो तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर गोइंग बाई ऑटो और ई रिक्शा, बाइक भी नहीं निकालने का मन करता, इतना ज्यादा ट्रैफिक है। तो मैंने फिर बैठ के वही रिफ्लेक्ट किया कि अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों ना स्विच करें यहाँ से कहीं और देखें। तो दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे तो हर जगह पे पार्किंग की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट है ही, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे जैसे द्वारका के अंदर सोसाइटीज है, सो दे आर वेरी कॉस्टली एंड द रूम्स आर ऑल्सो वेरी स्मॉल इन द्वारका, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपना सीन नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली नैमी की एक फ्रेंड रहती है बिल्कुल जस्ट हमारे सोसाइटी के सामने ही, तो उसने सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे भी आके देख सकते हो। हम लोग यहाँ पे आए सोसाइटी में, हमने पहला फ्लैट देखा एंड वी आर रियली हैप्पी, क्योंकि हमें जो भी चाहिए था, सबसे पहले तो शांति चाहिए, मैं शांति पसंद आदमी हूँ, पीस लविंग तो मुझे शांति चाहिए। वहाँ पे तो भाई सुबह 6 बजे से ही स्वच्छ भारत का इरादा, कवाड़ी, ये वो, नाइट शिफ्ट करने के बाद सुबह सोना पड़ता है और वो बिल्कुल नहीं हो पाता था वहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा शांति है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, पार्किंग सबका एक डेडिकेटेड स्पेस है, अंडरग्राउंड पार्किंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। और तीसरा, मैक्स, क्योंकि मैक्स को वहाँ पे उत्तम नगर जहाँ मैं रहता था द्वारका मोड़ के पास, वहाँ पे घुमाने की जगह नहीं थी, मतलब कोई भी नेचुरल एरिया नहीं था, लाइक अ फील्ड और समथिंग, ग्रास एंड ऑल दैट नहीं था। रोड पे घुमाता था, मेट्रो वाली लाइन पे घुमाता था, मतलब जो ऊपर मेट्रो है नीचे रोड है उत्तम नगर वाला, वहाँ पे भाई साहब ना सुसु करता ना पॉटी करता, जो आके घर पे करता था, बाहर नहीं करता था। मतलब 2-2 घंटे इसके साथ हम ना स्पेंड करते थे, बट इसको होता ही नहीं था, बेचारा कोशिश भी करता था तो इतना गाड़ी इतना ट्रैफिक रहता था कि वो घर ही आके करता था, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, डर जाता था रोड पे। तो मेन इसका भी प्रॉब्लम था क्योंकि इसकी रनिंग नहीं हो पा रही थी, एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा था, बिकॉज वी नीडेड अ फील्ड। और जो द्वारका के अंदर पार्क्स हैं वहाँ पे भी इतनी ज्यादा भीड़ होती है, लिटरली मैं बता रहा हूँ मेला लगता है वहाँ पे सीरियसली। और उन पार्क्स में भी क्या है कि हमें इसका लीश में ही इसको रखना है, तो वहाँ जाने का भी आई डोंट थिंक कोई पॉइंट था कि हम जाते या कुछ भी था, सो वी डिसाइडेड मतलब यहाँ आते ही। ऐसा नहीं है कि हमने दिल्ली में नहीं देखा, हमने बहुत अच्छे एरियाज में भी देखा लाइक तिलक नगर साइड, पश्चिम विहार, बट टू बी ऑनेस्ट वहाँ के रेंट इतने ज्यादा थे कि हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे, तो इसलिए हम लोग यहाँ आए। जब हम लोग यहाँ एंटर कर रहे थे तो मतलब अविनाश वॉज की यार ये बहुत सुनसान है, क्योंकि हमने रॉन्ग रास्ता ले लिया था हमेशा की तरह, मैं नेविगेटर थी। बट जब हम एक्चुअली सोसाइटी के बाहर आए तो अविनाश का तो पहले ही फ्लैट में,
बट हमने था कि थोड़ा सा ब्रोकर से टाइम लिया था क्योंकि फैमिली से डिस्कस करना था कि इतना बड़ा डिसीजन हम लेने जा रहे हैं दिल्ली छोड़ के आना, तो हमने उससे टाइम लिया, घर वालों से डिस्कस किया, ठंडे दिमाग से घर में बैठ के सोचा। तो सीन ऐसा है कि मैक्स के पैर में थोड़ा सा इशू आने लगा था, वो पैर थोड़े से टेढ़े हो रहे थे बिकॉज वहाँ घर स्लिपरी है और बाहर कोई एक्सरसाइज हो नहीं पा रहा है, तो जो भी वो रनिंग वनिंग करता था घर के अंदर करता था, उसकी वजह से पैर थोड़े से ख़राब हो रहे थे। तो मुझे इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि एक फील्ड मिल जाए जहाँ पर मैं इसको घुमा सकूँ, दौड़ा सकूँ, रनिंग करा सकूँ, थका सकूँ, क्योंकि उसको डेली दो बार थकाना ज़रूरी है, तो सो दैट वो घर पर बैठा रहे चुपचाप से स्लिपरी ग्राउंड में ना दौड़े। तो इसके वजह से भी हमने यहाँ पर शिफ्ट किया। तो यहाँ पे आने के बाद अपने को सबसे पहले तो दिखी ग्रीनरी, शांति और बड़े से फील्ड जहाँ पे मैं मैक्स को ले जाके रनिंग करा सकता हूँ। तो वो सब देख के मैं फिर आई डिसाइडेड कि यहाँ पे रहते हैं, सोसाइटी के अंदर फुल सिक्योरिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे और ना मार्केट की दिक्कत है ना कुछ, और रहने का घर थोड़ा सा दूर है बट दैट इज़ फाइन। अगर जब भी जाना होगा तो आप टाइम के हिसाब से निकलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप मतलब और टाइम में निकलोगे रात में सुबह में तो एक घंटे में पहुंच जाओगे, नहीं तो डेढ़ घंटे में पहुंच जाओगे, दैट इज़ फाइन, अगेन नॉट अ प्रॉब्लम। दिल्ली वालों को तो आदत है इतना ट्रैफिक में। और मैक्स के लिए जो यहाँ पे फैसिलिटीज है जो बहुत अच्छा है, सोसाइटी के अंदर भी आप घुमा सकते हो, बाहर घुमा सकते हो, हमारे लिए वॉकिंग की जगह है, जहाँ हम रहते थे वहाँ बिल्कुल जगह नहीं थी, तो ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़िया है। न पानी की टेंशन, वहाँ पे एक दिन के बाद पानी आता था, यहाँ पे पानी भरने का ही टेंशन नहीं है। तो वो सब जो इतने सारी फैसिलिटीज़ मिली थी, एंड वी डिसाइडेड टू स्विच। एक पहला फ्लैट देखा एंड आई वाज वेरी हैप्पी। तीन रूम है, चार बालकनी है हमारे पास, हर एक रूम के साथ बालकनी है, जो कि वहाँ पे देखने में नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे एक बालकनी मिलेगा ऐसे सीधा कटता है, एक तरफ वेंटिलेशन होता है, दूसरे तरफ नहीं होता है, इधर शाफ्ट होगा या तो वो भी नहीं होगा, ऐसा सीन चलता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको चार चार बैल्कनीज मिल रही है, फुल ओपन है, लाइट आती है हर तरफ से, धूप आती है। ये सब चीज़ें कंसिडर करने के बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। हमें दो हफ्ते ऑलमोस्ट होने वाले हैं शिफ्ट होने होते हुए, शिफ्ट हो गए हैं, सामान वामान ऑलमोस्ट एडजस्ट हो गया है, थोड़ा सा और बाकी है जो कि धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। और इसी के वजह से जो है मतलब उस वाले घर में दिक्कतें आ रही थी, फिर घर ढूंढना, फिर फाइनल करना, इसमें बहुत टाइम जाता है, वहाँ पे हमने बहुत घर देखा, इसकी वजह से जो है अपने वीडियोस थोड़े से डिले हो गए। फिर मैंने बोला कि एक बार जाके शिफ्ट करते हैं, उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे और बढ़िया से लेके जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा डिले हो गया और आप लोगों ने जो प्यार बनाए रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी मतलब बहुत से लोगों ने हमसे पूछा भी है कि शिफ्टिंग का वीडियो या कुछ, हम लोगों ने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुआ था, हम लोगों का प्लानिंग कुछ और था, वो प्लानिंग हमारा फेल हो गया, तो हमें बहुत जल्दी जल्दी में घर हमने ढूंढा और हमने शिफ्ट किया, और शिफ्टिंग में जो वार्ड लगी है ना वो हम दोनों ही जानते हैं। थैंक गॉड कि मतलब मम्मी पापा आए थे हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए, बहुत सारा उन्होंने काम भी करा ही दिया था, बट स्टिल हम दोनों थे तो हम लोगों के लिए बहुत टफ था। तो उसी बीच में वीडियो बनाना, मतलब ट्रक निकल गया है, सोसाइटी के भी कुछ रूल्स हैं कि इतने बजे के बाद गाड़ी आएगी, तो वीडियो बनाना वॉज नॉट सो ईजी। तो हमने डिसाइड किया कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे, शिफ्टिंग पे ध्यान देंगे, और अब हमने फाइनली दोबारा से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो अभी क्या है कि बस यही है, और कुछ सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सबको जवाब देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे डीएम्स नहीं आते हैं यार, थोड़े से आते हैं, मैं जवाब दे देता हूँ। तो ये सब है, अभी जाके एडिट वेडिट करूँगा और होपफुली जो है वो ब्लॉग कल से रेगुलर आना शुरू हो जाएगा, और पैरेलली अपना लद्दाख वाला वीडियो भी आएगा, और उसके बाद फिर हरिद्वार का आएगा, और उसके बाद हु नोस हम कहाँ पे होंगे। तो जो भी है जैसा भी है बस यही है। और यहाँ पे देख लो मैक्स ने क्या कर रखा है रूम के अंदर, मतलब इसका जो उस घर में काम था वो यहाँ भी कंटिन्यू है। आप देख लो, और अभी देखो क्या कर रहा है, देख लो क्या कर रहा है मैक्स।